अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी स्पोंसर्ड प्रोग्राम तरक्शील विचार लेके हाजिर हाँ। तो अज भी जिस टॉपिक ते गल करनी आ बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पिछले हफ्ते गल आपां कीती सीगी थोमस अल्वा एडिसन दे बारे, ते उस प्रोग्राम तो बाद मैनू बहुत सारे लोगों के जिहड़े बहुत ही वधिया कामयाब सक्सैसफुल ते बड़े पॉजिटिव कॉमेंट्स यानी कि आए सी। मैं उन्हां दा अपने वालों जो बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, तो अपनी टीम वालों भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। तो मैं चाहना कि तुसी अज भी जिहड़ी अपनी टेलीफोन लाइनस है उन्होंने हुण तो ही लाइनअप कर लो। जिहड़ा साडा टेलीफोन नंबर हैगा वो थले आ भी रहा है 0300-770-2246, तो वो तुसी यानी कि जो लाइनअप कर सको तो बहुत ही तुहाडे लई भी कन्वीनियंट होगा, मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा, तो कि मैं तुहानूं टाइम दे सकां। तो मैं इस चीज़ की उम्मीद है कि तुहाडा पिछला हफ्ता बहुत ही खुशगवार गुजरिया होगा, तो मैं उम्मीद करदा कि तुहाडा आने वाला समा भी खुशियां ते खेड़ियां नाल भरिया आएगा। जिस तरह तुहानूं पता है कि असीं इस प्रोग्राम विच साइंस की गल करते हैं, विज्ञान की गल करते हैं, तर्क की गल करते हैं, रैशनलिज्म की गल करते हैं, तो दलील की गल करते हैं। तो अज जिस महान पुरश की मैं गल करनी हैगी आ, शायद उहदे बारे बहुत सारे लोगों ने शायद ना सुनिया होवे, जे सुनिया भी होवे ते उहदी जीवनी विच की कुछ उन्हां उथल पुथल हुई आ उहदे बारे शायद तुहानूं बहुतिआं नूं शायद ना पता होवे। तो इस चीज़ का भी मैं समझ रहा भी बड़ी माण वाली गल है कि जिहो जिहा प्रोग्राम असीं कांशी टैलीविजन पर दिने हैगे आ, साइंस के प्रोग्राम दिने हैगे आ, धार्मिक प्रोग्राम भी इत्थे हुंदे आ, सभ्याचारक प्रोग्राम भी हुंदे आ, खबरां भी इत्थे हुंदियां, एंटरटेनमेंट भी हुंदा हैगा, ते होर कई तरह के जिहड़े प्रोग्राम वख वख धर्मां दे भी प्रोग्राम जिहड़े हैगे इत्थे कीते जांदे आ। ते मैं सलाह तुहानूं कांशी टैलीविजन नूं भी प्रमोट करना चाहीदा जिन्हां ने एडा वड्डा प्लेटफॉर्म दित्ता हैगा, ते कांशी टैलीविजन की माइक तौर पर भी सहायता करो, जिहड़ा हर तरीके नाल तुसीं उहनूं जे सपोर्ट करोगे तो फिर ही असीं इहो जिहा वधिया प्रोग्राम लैके आ सकते हैं। तो खास करके जिहड़ा साडा स्पोंसर्ड प्रोग्राम हैगा, जे तुसीं इहनूं भी स्पोंसर करना चाहो तो फिर भी तुसीं सानूं जिहड़ा हैगा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिहड़ा कि नंबर थले आ रहा हैगा, तरक्शील सोसायटी नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो जां किहड़ा हैगा इत्थे स्टूडियो विच भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर साडे नाल उह संपर्क कर लेंगे, तुसीं कोई प्रोग्राम जिहड़ा हैगा स्पोंसर भी करा सकते हैं। तो जिहड़ी मैं अज तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा हैगा उस महान शख्सियत बारे जिन्हें अपने साइंस के विचार करके शहादत देती, जिन्हों कतल करता गया 17 फरवरी 1600 उस महान शख्सियत का नाँ ब्रूनो करके जाने जाता है। अज उस बारे गल करांगे क्योंकि मैं एक लंबा चौड़ा लेख जिहड़ा सी ब्रूनो बारे लिखा है, तो होर भी इहो जिहे महान शख्सियतों बारे मैं अजकल लिख रहा है, तो कुछ लेख मैं लिख लिया है, तो मैं चाहना लिया भी इन्हां महान शख्सियतों बारे जिन्हां ने फंडामेंटलिस्ट जिहड़े लोग सी उन्हां दे हत्थों शहादत पा ली, अपनी जाना वरतियां, पर साइंस का जिहड़ा झंडा सी बुलंद रखिया, उन्हां ते भी एक मैं किताब लिख रहा है। तो जे तुसीं भी कोई सुजैशन मैं किताब के नाँ का, क्योंकि मैं अजे किताब का नाँ जिहड़ा हैगा वो अजे फाइनलाइज नहीं किया है, तो मैनू यानी कि बहुत खुशी होगी। जिस तरह विज्ञानी बाबे किताब है जिहड़ी कि विज्ञानका विज्ञानियां बारे हैगी, इस तरह यानी कि मैं एक यह किताब लिखनी चाहना लिया भी जिन्हां महान शख्सियतों ने जिहड़ा हैगा सानू पुट ऑफ किया, जिहड़ा जिहड़ा हैगा बहुत सारा, तो वह जिहड़ा सीगा पर फिर भी अपनी जिहड़ी सीगी सोच ते डटे रहे, उन्हां बारे गल करनी। पर इस तुहाडी कॉल लैण तों पहलां मैं जिहड़ा किहड़ा पहलां एक लेख पढ़ूंगा अपना जिहड़ा कि काफ़ी लंबा चौड़ा लेख हैगा ब्रूनो बारे, तो फिर उस तों बाद मैं तुहाडी कॉल लूँगा। मैनू उम्मीद है कि तुसीं थोड़ा जिहा पेशेंस रखोगे, कॉल जाने के हुण तो ही आनी शुरू हो गई, पर मैं जिस तरह कहा क्योंकि ब्रूनो बारे गल अज करनी है, तो ब्रूनो बारे जिहड़ा हैगा मैं एक लंबा चौड़ा लेख लिखा हैगा, पहला मैं तुहाडे नाल उह सांझा कर लवां, तो उस तों बाद मैं तुहाडियां कॉल्स लैणा। थैंक यू। जियोडानो ब्रूनो जनवरी ज फरवरी 1548 ईस्वी में नौला नाँ के एक छोटे जे पिंड ब्रूनो पैदा होया। भावें उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बेगाने ते बाहरले मुल्क में बिताया, परंतु वह अपने लंबे सफर बाद फिर घर वाल परत आउंदा सी। उसने लगभग 20 किताबां लिखियां। जदों अजे 13 साल का सी तां उसने संत डोमिनिको दे मठ विचले स्कूल में जाना शुरू करता। ये प्रसिद्ध स्थान सी। थोमस अकवानस भी इत्थे रह अते पढ़ चुका सी।
थोड़े सालों में ही ब्रूनो उत्थे पादरी बन गया। थोड़े समय में ही उत्थों के भिक्षुओं ने अपने इस नवे गभरू साथी के असाधारण जोश बारे महसूस करना शुरू करता। वह स्पष्ट बड़बोला अते खुला डोला सी, अते इसे करके जल्दी ही मुश्क विच गिर गया। स्पष्ट सी कि यह लड़का डोमिनिकन घेरे में फैट बैठने वाला नहीं सी। पहली गल जो विद्यार्थी लिए सीखने वाली होंगी है वो अध्यापक द्वारा पूछे गए सवालों के वो जवाब जो अध्यापक चाहता है। आम अध्यापक पुरातन मील पत्थरों का सामभनहारा होंदा है, विद्यार्थी उस दे सरोते होंदे हन, वो वाह वाह कर सकते हैं पर नवी रीत नहीं चला सकते। उन्होंने मुशक्कत करनी और अड़ीक करनी सीखनी चाहिए है। ये ब्रूनो का व्यवहार नहीं सी पर उसके ख्याल सन जिन्होंने उसनु मुश्किल में फसाया। वो अपने स्कूल अपने पिंड अपने मुल्क विचों दौड़ गया और उसने बेगानिया विदेशियों में अपनी बौद्धिक ईमानदारी लिए सुखावा माहौल तलाश करने की कोशिश की थी जिहड़ा उसनु अपने घर में नहीं सी मिलिया। ब्रूनो संबंधी भावुक खोए बिना नहीं रहा जा सकता। ये वो व्यक्ति सी जिसका ना कोई मुल्क सी अते ना ही चर्च। ब्रूनो विचारां दे सुभाव विच दिलचस्पी लैंदा, बेशक इन्हां संकल्पां दा नाम अजे आजाद नहीं सी होया पर फिर भी ब्रूनो ने उचित तौर ते ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी जां अर्थ विज्ञानी सीमेंटिसिस्ट वजों लिया जा सकता है। वो इंसानी मन का एक ताज़ा जायजा लैंदा है। ये एक दिलचस्प तत्थ है कि 16वीं सदी के अखीर पादरी परंपरा की प्रभुता में चफेरों गिरिया एक व्यक्ति समय के विज्ञान द्वारा स्पष्ट की दुनिया का दार्शनिक सर्वेक्षण करता है। विशेष तौर पर यह गल इस करके भी दिलचस्प है कि चिंतन करने की आदत केवल 20वीं सदी में ही द्वारा हरमन प्यारी हुई है। ब्रूनो उस समय जीविया जदों दर्शन फिलोसफी विज्ञान नालों तोड़ बछोड़ा कर चुका सी। यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि विज्ञान ने दर्शन वालों मुँह फेर लिया सी। साइंसदान नवे खिडौणियों नाल इन्ने परच गए सन कि उन्हां दर्शन की परवाह करनी छड़ दित्ती सी। उन्होंने अपने आप नूं दूरबीना ते खुरदबीना विच डुबो लिया सी। 1581 विच ब्रूनो पैरिस गया अते दर्शन फिलोसफी उपर भाषण देने शुरू करते। विद्वानों की थां थां भ्रमण करना आम वरतारा सी। वो बड़ी जल्दी संबंध बना लैंदा सी अते अपने विचारां दी रोशनी नाल वो किसी भी टोली की दिलचस्पी जगा लैण दे योग सी। उसकी मशहूरी राजे हैनरी तीजे को पहुंची जो इस नवी दार्शनिक खिच नूं देखण लई उत्सुक सी। हैनरी ब्रूनो की कला विचों देखना चाहुंदा सी कि की वह जादूगर सी जां मांदरी। ब्रूनो की एक जादूगर वजों मशहूरी हो गई जिहड़ा यादाश्त वधाउण दे गुर दस सकदा सी। ब्रूनो ने राजे की तसली करवाई कि उसका चिंतन प्रबंध जथेबंदक ज्ञान उपर आधारित है। ब्रूनो नूं हैनरी तीजे विच एक सरप्रस्त लभ गया सी अते पैरिस विच उसके छोटे जिहे पड़ा नूं इसका काफ़ी लाभ भी होया। इस समय ब्रूनो दीआं पहलीआं किताबां शैडोज़ ऑफ द आइडियाज़ एंड आर्ट ऑफ मैमरी आदि छपियां। इन्हां रचनावां विच उसने निर्णय दित्ता कि ख्याल सच दे परछावें हन। यह विचार उसके समय में असलों नवां सी। इस बारे उसकी एक होर किताब छपी जिसका नाम सी ब्रीफ आर्कीटेक्चर ऑफ द आर्ट ऑफ लली विद इट्स कंप्लीशन। लली एक चिंतकी ने चर्च के कट्टर सिद्धांतों को इंसानी तर्क नाल सिद्ध करने की कोशिश की सी। ब्रूनो ने इस तरह की मानसिक कोशिश का खंडन किया। ब्रूनो ने कहा कि ईसाईयत मुकम्मल तौर पर तर्कहीन है, यह दर्शन के उल्ट है और यह दूसरे धर्म नाल असहमत है। ब्रूनो ने कहा कि असी ईसाईयत को आस्था वजों स्वीकारते हैं तो इस विचले कथित अलहाम का कोई विज्ञानिक आधार नहीं है। अपनी अगली रचना में वो हैमरिक सोमेर सिरकी लेंदा है जो इंसानों को पशु में बदल देता है। कैंटस सिरक्यूस द इनकंटेशन ऑफ सरसी रचनावां विच ब्रूनो ख्यालों के संबंधों के सिद्धांत उत्ते गल करता है अते परंपरिक ज्ञान प्राप्ति के ढंगा उत्ते लगातार किंतु करता है। 1582 विच 34 वरे की उम्र में उसने एक नावल द कैंडलर लिखिया। वो एक मोमबत्ती बनाने वाले वजों सोचता है जो मोम अते ग्रीस नाल काम करता है अते फिर अपना सौदा पत्ता बाहर होका देकर बेचण जाता है। हाथ में फड़ी इस मोमबत्ती बल देखो जिसनों मैं बनाया है, वह कुछ ख्यालों के परछावें स्पष्ट करेगी। मैनू अपने विश्वास बारे तुहानू कोई हिदायत देने की लोड़ नहीं, समा दिंदा है अते फिर खो लैंदा है। हर चीज़ बदलती है पर खत्म नहीं हुंदी।
एक है जो अब्दुल है सदीवी जो सदा रहिंदा है। इस दर्शन नाल मेरी हिम्मत वधदी है, मेरा मन विशाल हुंदा है। रात किन्नी भी धुंधली क्यों ना होवे, मैं दिन चढ़न दा इंतजार करदा हाँ। इसलिए जे कर सकते हो तो प्रसन्न रहो, एकाग्र रहो अते मुहब्बत बटे मुहब्बत बंडो। ये फिर समा यह आया कि फ्रांस में ब्रूनो का नवापन मध्यम पैन लगा और उसे महसूस होया कि यह समा अगे कूच करता है। वह अगे नवे स्रोतों की तलाश में इंग्लैंड चला गया, पर ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी नाल प्रणताऊ संबंध बनाने में नाकामयाब रहा। दूजिया यूरोपीय यूनीवर्सिटी की तरह ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी भी अरस्तु अरिस्टोटल की प्रभुता का बौद्धिक सत्कार करती सी। मध्यकाल बारे बहुत कुछ लिखा गया है कि किवें अरस्तु का मुरदा हथ संघी घुट रहा है। अरस्तु के तरीके अरिस्टोटल जिन्हों कहते हैं अरस्तु के तरीके ज मन का रटा नहीं सी, जिन्ना कि उसकी प्रभुता का कि जो भी अरस्तु ने कहा उस पर यकीन किया जाए। ब्रूनो ने अपने अंदाज में इस गल उत्ते इतराज करता सी कि सिर्फ किसी बयान उत्ते इस करके ही एतवार नहीं किया जा सकता कि अरस्तु ने कहा सी, अरिस्टोटल ने कहा सी, जदों के विज्ञान राही हो रहे इंद्रियावी अनुभव उसके उल्ट भुगत रहे सन। ब्रूनो ने अपना जशीला प्रापेगंडा लड़ाकू रूप में जारी रखिया। 1582 तो 1592 के समय दौरान होर कोई अध्यापक नहीं सी जो निरंतर शरेआम और जोश नाल कापरनीकस द्वारा निर्धारित ब्रह्मांड के खबर प्रचार रहा सी। इस तो थोड़ी देर बाद ही प्रसिद्ध शख्सियत गैलीलियो ने यह बीड़ा चुक लेना सी। गैलीलियो ब्रूनो नूं निजी तौर उत्ते कदे भी नहीं सी मिलिया। वह उसका अपनियां लिखतां विच जिक्र नहीं करता है, भावें कि हो सकता है कि उसने उस दियां लिखतां नूं पढ़िया होवे। इंग्लैंड विच रहिंदिआं ब्रूनो ने राणी एलिजबैथ नाल गलबात की, उसने राणी की बड़ी प्रशंसा की, पर राणी ब्रूनो बारे बहुता चंगा नहीं सी सोचती। राणी ब्रूनो नूं जंगली गर्मदलिया भन तोड़ करन वाला अते खतरनाक समझती सी। ब्रूनो नूं अंग्रेज लोग अनपढ़ जिहा दिसे। ब्रूनो नूं प्रोटेस्टेंट जां कैथोलिक धार्मिक फिरकियां विच किते भी सुरक्षित थां नहीं सी मिली। भयानक मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी लंबी लड़ाई जारी रखी। वह पहला स्विट्जरलैंड में रहा, फिर फ्रांस और इंग्लैंड में, बाद में जर्मनी लई रवाना हो गया। उसने किताबों का अनुवाद किया, प्रूफ पढ़े, ग्रुप मीटिंगा कीतियां अते भाषण दिते। यह गल समझने वास्ते बहुत ही कल्पना की लोड़ नहीं कि वह एक अजिहा इंसान सी जो अपने कपड़ियां की गण तुप आप करता सी। वह कदे कदे ठोठर करता, भुखा पाना अते पाटे कपड़ियां विच हुंदा सी। ब्रूनो दियां कुछ गल्लां जिन्हां बारे निश्चितता नाल कहा जा सकता है अते उस दे ख्याल उस दियां भुलियां विसरियां किताबां विच बंद पए हन। 20 वरिआं दी जलावतनी दौरान घर लई तरसदे उस इंसान की तस्वीर उभरदी है जो अपनी मात भाषा की आवाज़ अते देश वासियों दे साथ लई कल्पदा होवे। उस दियां कुछ किताबां हन, द इनफिनिटी, द यूनीवर्स एंड इट्स वर्ल्ड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंट्रीपिड सोल्स, जो बहमा परमा ते एक व्यंग है। अपनी किताब एक्सपल्शन ऑफ द ट्रायम्फ्ड बीस्ट विच वह कैथोलिक ते प्रोटेस्टेंट सभ्याचार की चंगी खल लाउंदा है। अपनी एक होर किताब विच वह एक अजिहे विषय उत्ते विचार छेड़दा है जो अगली सदी विच फ्रांसीसी फिलोसफर डेस्कार्त ते निजटदा है। इस किताब विच उन्हें लिखा, जो भी दर्शन नाल दो हथ करता है उसनू सारियां चीज़ां नू शक की छाणी विचों लगाउणा चाहीदा है। उस दी होर भी दिलखिच मिल सुलेखां वाली किताबां हन जिन्हां विच यूनिट क्वांटिटी एंड शेप ऑन इमेजेस, साइंस एंड आइडियाज़, व्हाट इज़ इमेंस एंड इननंबरेबल। उस दी एक होर किताब 160 आर्टिकल्स डायरेक्टेड अगेंस्ट द मैथमेटिक्स एंड फिलोसफीज ऑफ द डे। उस दी अपनी अधूरी रचना द फास्टनिंग्स ऑफ काइंड सी। वह ब्रह्मांड के सिद्धांतों बारे मशहूर सी। उसका मनना सी कि यह ब्रह्मांड में चमकते सितारे एक तरह के सूरज हैं जिन्हां दे दुआले प्लैनेट्स घूमते हैं और उन्हों का अपना जीवन काल है जिसनों कौसमिक प्लूरलिज्म कहा जाता है। उन्हें कहा कि इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है और ना ही इसका कोई केंद्र है। यह सूरज कदे भी खत्म नहीं हो सकते, इस समय समय शक्ल बदल के अपने आप को निभाते हैं। इतने कुछ भी निरपेख उपर या थले नहीं है जिमें कि अरस्तु अरिस्टोटल सोचता सी, ना ही खला कोई निरपेख स्थान है। पर किसी भी चीज़ की स्थिति दूसरिया चीज़ों के सपेखक होंगी है। साढ़े ब्रह्मांड में हर थान निरंतर सपेखक तब्दीली होंगी रही है और दर्शक हमेशा इन्हों के केंद्र में होंगे है। उस थान का अंदाजा लाना सौखा है जो दक्षणी यूरोप के पादरियों के मनों में ब्रूनो बारे से।
उसने असीम ब्रह्मांड बारे लिखा जिस विच उस महासंकल्प लई कोई थां नहीं सी जिसनू रब अल्लाह वाहिगुरु भगवान परमात्मा जां शहनशाह दा शाह कहिंदे हन। वो इस तरह नहीं देख सकता सी कि रब ते कुदरत दो अलग अलग चीज़ां हन, जिवें कि चर्च प्रचार दा सी जां जिवें अरस्तू पढ़ाउंदा सी। उसने उस दर्शन का प्रचार किया जिसने मेरी दी पवित्रता दे हस सलीबाद नू अर्थहीन बनाता। वो इन्ना भोला सी कि उन्हें अपने नास्तक होने की कोई कल्पना भी ना कर सकिया। वो बाइबल ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ नू एक किताब समझता सी जिस उत्ते कोई अनपढ़ ही विश्वास कर सकता सी। गिरजाघरां दे ढंग तरीके कर्मकांड कुफर सन जो अज्ञानता नू बदन फुल विच सहायता करते सन। गुरु ने कहा दर्शन नू मुक्त करो, फिलोसफी नू मुक्त करो, मन मर्जी का सोचन सुपने लैण का हक होना चाहिए है। 14 बरे यूरोप में घूमने बाद ब्रूनो ने अपना रुख घर वाल किया। शायद वह घर लई विराग गया सी। ब्रूनो का उसकी बाकी जिंदगी वाग इटली वापस जाने का फैसला विरोधापासी सी। ब्रूनो नू पुचला लिया गया सी। एक नौजवान मैसोनीगो ने उसनू वीनस आने लई न्यौंदा दिता, उसनू एक मकान देने का भी वादा किया गया, पर साजिश अधीन वीनस पहुँचने ते उसनू कैद कर लिया गया। बाद विच रोम साम्राज के समन जारी करके उसनू रोम ले जाया गया। 1593 तो 1600 ईस्वी तक वो पैपल जेल में रहा। उत्थे उस नाल किस तरह का बर्ताव किया गया इस बारे हाकमा ने कोई लिखती रिकॉर्ड नहीं रखिया। 1600 ईस्वी एक जर्मन चिंतक ने जो उस वेले रोम में सी लिखिया, उस दियां अनेकां वार पुछगिछ हुई अते मुख धर्म शास्त्री गुरु घंटाल ने ब्रूनो नू दोषी ऐलान किया। अपनी स्थिति ते विचार कर ली उसनू 40 दिनों का समा दिता गया। फिर इस तो बाद उसनू 40 दिन विचार कर ली होर दिते गए, पर ब्रूनो ने कुछ ना किया सगों पोप ते पड़तालियां नू भंबल भूसे विच पाई रखिया। दोषी ठहराने तो बाद 2 साल हिरासत में रखने उपरंत 9 फरवरी 1600 दे दिन उसनू सजा सजाने लई शहर के गवर्नर के सन्मुख लिजाया गया। मौत की सजा सुन समय ब्रूनो ने धमकी भरे लहजे विच कहा, मेरे मुनसफो शायद मेरे सजा लैण वाले नालों तुसीं देण वाले वध भयभीत हो। उसनू पछतावा कर लई होर 8 दिन दिते गए, परंतु इसका कोई लाभ ना होया। उसनू जबरदस्ती चौरस्ते दे चौंक विच लियाया गया अते उहनू एक सलीब भेंट की गई, परंतु उसने उसनू हकारत नाल ठुकरा दिता। इस तो बाद उसनू सलीब नाल बन के 17 फरवरी 1600 नू कैंपो डी फायरो रोम इटली विखे जींदे नू अग ला के सड़ता गया। सड़न तो पहला उसकी जीभ कट दी गई ता जो अगले जन्म विच गूंगा ही जन्म लवे, ताँ कि बाइबल दे झूठ बारे द्वारा प्रचार ना कर सके। 18वीं सदी के शुरू में सहज धर्मियों ने ब्रूनो नू मुड़ सजीत किया अते उसके जीवन दियां कहानियां सुना के आम जनता की कल्पना नू उत्तेजित करने की कोशिश की, परंतु इस कार्य ने कोई बहुता उत्साह पैदा नहीं किया। जैकोबी ने जर्मन दार्शनिकता का ब्रूनो की प्रतिभा वल ध्यान दवाया, जिन्होंने उस दियां किताबां भी नहीं पढ़िया सन। 19वीं सदी के मगरले हिस्से में इटली के चिंतकों में ब्रूनो प्रति दिलचस्पी जागी अते इसने ब्रूनो खबत का रूप धार लिया। ब्रूनो अगां वधू अते आजाद सोचने वाले विज्ञानियों के चिंतकों का चिन्ह बन गया जो एक विज्ञानक शहीद सी। ब्रूनो घुमक्कड़ दार्शनिक काविक खानाबदोश सी जिसने विज्ञानी होण दा कदे दावा नहीं सी कीता। उस दियां किताबां अमरीकी लाइब्रेरियां विच नहीं मिलदियां। जीवनी लिखण दे इस दौर विच भी ब्रूनो दी जीवनी लिखण दी कोशिश किसी आधुनिक लेखक ने नहीं की थी। ब्रूनो वो मोढ़ी सी जिसने यूरोप नू लंबी बौद्धिक नींद विचों जगाया, अपने उत्साही विचारां लई वो कुर्बान हो गया। कापरनीकस की मौत के 5 साल बाद ब्रूनो का जन्म होया। वो अपने आने वाली नस्लों लई उत्तेजक ख्याल विरासत में छड़ गया। असीं अज के समय में ब्रह्मांड के पसारे बारे आम सुनते हाँ, असीं इसनू एक वड्डी गल वजो कबूल करना सीख गए हाँ। ब्रह्मांड की असीमता का ख्याल पुनर्जागृति रनैसेंस के समय के महान उत्तेजक ख्यालों में एक सी। उसने कोई नवे अध्यात्मक वाकशल आजाद नहीं की अते ना ही वह चफेर गढ़िया सी। उसने कोई सियासत नहीं खेडी सगो अपने अनुभव सांझे करने पसंद करता सी। उसने एक निर्दयी मौत गढ़ लाई अते एक विलखण शहीद की उपाधि धारण की। चर्च ने गैलीलियो नू बख्श दिता है अते उस तो माफ़ी मंग ली है, पर ब्रूनो हाले भी चर्च के गल में कंडा बन के खुभिया होया है। वो उन्हां विलखण शहीदों में एक है जो बाकियों नू अगवाई देंदे हन। वो केवल धार्मिक अलहदगी पसंद ही नहीं सी जो कट्टरता ते भीड़ दे पागलपन का शिकार हो गया, सगो वो तो संवेदनशील काल्पनिक कवि ब्रह्मांड के महाविचारां दे उत्साह नाल भरिया होया सी, भरिया होया अनूठा इंसान सी।
उस दी रोशन दृष्टि लई उस नूं 8 साल हनेरे तहखाने विच रख्या गया अते बाद में जिंदा जलाता गया। वह एक असाधारण कहानी है अते चर्च उस नूं लंबी उम्र नहीं भोगेगा। 17 फरवरी जिस दिन ब्रूनो नूं अग ला के जिंदा जलाता गया, 17 फरवरी 1415 नूं चेकोस्लोवाकिया दे जान हस नूं भी कट्टड़वादी धार्मिक लोगों ने जिंदा जलाता सी कि कैथोलिक चर्च के असूलों नूं नकारता सी। ब्रूनो ने किहड़े ख्यालां ने ब्रूनो दे किहड़े ख्यालां ने ज़्यादा बुखलाया सी वो अज तक पता नहीं लग सकिया क्योंकि वो मुकदमे के कागज़ पत्र सामभ के नहीं रखे गए सन। ये 16वीं सदी का निकोलस कोपरनेकस जिन्हें हैलोसेंट्रिक मॉडल दिता सी अते इस मॉडल तो ही ब्रूनो प्रभावित होया सी। दसया जाता है कि कोपरनिकस उस वेले मर किनारे सी जद उहदी इह किताब छप के बाहर आई सी अते उहदी मौत 24 मई 1543 नूं दिमागी नाड़ी सैरीब्रल हैमरेज फटन नाल हो गई सी। ब्रूनो की किताब कोपरनिकन मॉडल ने बड़ा वड्डा धमाका किया जो कि कोसमोलॉजिकल थ्यूरीज बारे गल करता है, पर बहुत सारे इतिहास लिखण वालों का मनना है कि ब्रूनो नूं इस किताब विचले सिद्धांतों करके नहीं सगों इस करके जिंदा चलाया गया कि उन्हें कैथोलिक ईसाई धर्म के मुढ़ले सिद्धांतों नूं नकारिया सी। जिवें एक क्राइस्ट रब का बेटा है, उहदी माँ मेरी कुआरी सी अते आत्मा मरण तो बाद किसी होर जीव चली जाती है, जदों कि कुछ लेखक यह मानते हैं कि चर्च ने उहदे किताब विचले सिद्धांतों नूं गलत किया सी अते इस करके मौत की सजा दित्ती सी। 19वीं सदी अते 20वीं सदी के बुद्धिजीवी उन्हूं विज्ञान का शहीद अते आजाद सोचने का शहीद मानते हैं। ब्रूनो ने आर्ट ऑफ मैमरी यानी याददाश्त बारे भी बहुत कुछ लिखा, उन्हें हिसाब से जोमैट्री बारे भी नवीं पढ़ना पाइया। ब्रूनो की बचपन वाल झाती मारद पता लगता है कि वह पिता गायोवानी ब्रूनो एक स्पाई सी, उसकी माता का नाम फ्रोलिसा सैवोलिना सी। जवानी वेले उन्हें पढ़ाई वास्ते नेपल्स भेजा गया सी, उत्थे उन्हें प्राइवेट पढ़ाया गया अते उन्हें कई पब्लिक लैक्चर भी सुने सन। जब वह 17 वर्ष का होया सी तां नेपल्स दे चर्च में पढ़ लग पिया अते उन्हें अपने गैबी शक्तियां दे अध्यापक का नाम गियोडानो रख लिया सी। 1572 में जब वह 24 वर्ष का होया तो अपनी पढ़ाई पूरी करके पादरी बन गया। उत्थे उन्हें अपनी याददाश्त दे करिश्मे भी विखाए अते एक बार उन्हें इस दी प्रदर्शनी करने लई रोम भी भेजा गया जिथे पोप उहदे तों बड़ा प्रभावित होया। पोप ने उहदे ऑन दी आर्क ऑफ नोहा काम नूं भी प्रवानगी दित्ती। ब्रूनो की प्रतिभा का सारे लोहा मानते सन कि वह आजाद सोचने का मालिक है अते वो उन्हां किताबों का पढ़ाकू सी जिन्हां किताबों नूं पाबंदीशुदा करार दिता गया है। विरोधी ख्याल होने उत्ते भी ये हैरानी हुंदी है कि वह उत्थे 11 साल टिकया रहा। यह भी पता लगता है कि उहदे ते 2 बार मुकदमा भी चलाया गया सी कि वह संतां दीआं फोटोआं नूं नकारदा सी अते किंतु परंतु वालीआं किताबां पढ़न की सिफारिश करदा सी, पर उहदे हालात उस वेले गंभीर बन गए जद उन्हें एरियन हेयरसे दे हक में बयानबाजी की सी अते अरासमस की पाबंदीशुदा किताब लैटरिन विचों लुकोई हुई मिली सी। जद उन्हें पता लगा कि काम ज़्यादा खराब होने वाला है तो वह नेपल्स तो दौड़ गया। पहला वह नौली गया, फिर सबोना अते अखीर में वीनिस। उत्थे जाके उन्हें अपनी गुआची हुई किताब ऑन द साइंस ऑफ द टाइम्स पाई। वीनिस तो बाद पडुआ गया जिथे साथियों उन्हें हौसला दिता कि वह अपना काम जारी रखे। फिर वह ब्रिगेमो चैम्बरी अते फिर लॉयन चला गया। 1579 वो जनेवा में सी। ब्रूनो के जीवनकार डी डबल्यू सिंगर का कहना है कि ब्रूनो प्रोटेस्टेंट बन गया सी कि उन्हें अपने मुकदमे दौरान कहा सी कि उन्हें शहर का धर्म इस करके मान लिया ता कि वह आजादी नाल उत्थे सुरक्षित रह सके। उत्थे रहिंदिआं उन्हें अपने कपड़े भी बदल लै ता कि उहदी एक पादरी के तौर पर पछाण ना हो सके। कुछ देर लिए तो सब कुछ ठीक ठाक रहा अते उन्हें यूनीवर्सिटी ऑफ जनेवा की रिक्टर किताब में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया, पर ब्रूनो किथे चुप रहने वाला सी। उन्हें मन्ने दन्ने प्रोफेसर एंटोइन डी ला फे दे विचारां दे खिलाफ छाप दिता। छापण वाले अते ब्रूनो दोवां नूं कैद कर लिया गया। ब्रूनो ने माफ़ी मंगण दी बजाय अपने विचारां उपर डट के पहरा दिता। अखीर में जनेवा छड्ड के वह फ्रांस चला गया। पहला वह लायन शहर गया अते फिर 1580 तो 1581 टोलोज शहर में टिक गया। इत्थे उन्हें थियोलॉजी में डॉक्टरेट PhD की डिग्री हासिल की थी अते विद्यार्थियों नूं फिलोसफी पढ़ाउण लग पिया। इउं लग रहा सी कि इत्थे उन्हें कैथोलिसिज्म वल जाना चाहिया, पर गल ना बनी। जब 1581 नूं धार्मिक जदोजहद शुरू हुई तो गर्मी के दिनों में वह पैरिस चला गया। इत्थे उन्हें थियोलॉजी उत्ते 30 लैक्चर दिते अते अपनी अनोखी याददाश्त करके भी उन्हें मशहूरी मिली।
लोग ये समझने लग पे सन कि कोई जादूगरी जादूमई शक्ति है। इन गलों की वो प्रतिभा करके राजे हैनरी तीजे उन्हें अपने कोर्ट में सद्या। ब्रूनो लिखता है, हैनरी तीजे ने मैनू यह जानने पूछया कि की मेरी यादाश्त कुदरती है जां कोई जादूमई ताकत है। मैं राजे नूं तसली कराई कि यह कोई गैबी शक्ति नहीं है, सगों ज्ञान नूं तरतीब बार करके याद किया जाता है। इस तों बाद यादाश्त बारे मैं अपनी किताब द शैडोज ऑफ आइडियाज़ राजे नूं भेंट की। इस तों बाद उन्हें मैनू तनखा अते एक असधारण लैक्चर देण लई काम दे दिता। 1582 उहदी किताब कैंटस सर्कस सरसेज ऑफ सोंग जिन्हों सरसेस इन द आर्ट ऑफ रीजनिंग बीस्ट भी कहा गया है छपी। यह भी कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान के तजर्बों के आधार उपर इन किताबों में लिखा सी, ना कि पैट्रस रेमिस के तर्क तरीकों उपर। ब्रूनो ने एक व्यंग कॉमेडी भी लिखी जो 1582 छपी है, उसका नाम है 11 कैंडलियो द टॉर्च बेरर। 16वीं सदी में किताबों समर्पित करने का भी रिवाज सी ता कि लेखक सुरक्षित रह सके। इस करके उन्हें अपनी किताबों राजे हैनरी तीजे सर फिलिप सिडनी माइकल डी कैस्टलानाओ और हो सकता है पोप पायस पंज नूं समर्पित किया। इतों यह भी पता लगता है कि वह समाज के ताकतवर लोगों में विचरता सी। अप्रैल 1583 में ब्रूनो फ्रांस के राजे हैनरी तीजे की सिफारिश चिट्ठी लैके इंग्लैंड गया और इंग्लैंड और फ्रांस के अंबैसडर माइकल डी कैस्टलो को फ्रांस अंबैसी में रहा। इंग्लैंड में कवि फिलिप सिडनी मिलया और अपन दो किताबा समर्पित कीतियां। इतने उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लैक्चर भी दिते पर उन्होंने एक लैक्चरार की नौकरी ना मिल सकी क्योंकि वो विचार जोहन अंडहल लिंकन कॉलेज के रैक्टर ऑक्सफोर्ड के जॉर्ज एबट जो कि बाद में आर्क बिशप ऑफ कैंटर भी बनिया नाल मेल नहीं सन खाते। इसे गुरु घुंटाल ने ब्रूनो का मजाक उड़ाया कि वह कोपरनीकस के विचार की प्रोड़ता करता है जो कहता है कि धरती घूमती है और स्वर्ग एको थान खड़ा है जदों कि सच्चाई यह है कि उल्टा अपना सिर घूम रहा है और वह दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है। यह भी कि ब्रूनो ने फसीनो की लिखतों बारे गुमराह किया और लिखतों की चोरी की है। इसे करके ब्रूनो इंग्लैंड छड़ के यूरोप चला गया। इंग्लैंड की यात्रा इन सारिया दुशवारियों के बावजूद इस करके फायदेमंद रही कि उन्हें अपन बहुत महत्वपूर्ण किताबा इतें रह के पूरिया करनिया उन्होंने छुपा भी दिता, जिमें द सिक्स इटालियन डायलॉग्स, इस कॉस्मोलॉजिकल ट्रैक्ट्स भी शामिल सी, द ऐश वेंसडे सुपर 1584, ऑन कॉज प्रिंसीपल्स एंड यूनिटी 1584, ऑन द इनफिनिट यूनीवर्स एंड वर्ल्ड्स 1584 ही, द एक्सपल्शन ऑफ द ट्राइम्फ बीस्ट 1585, ऑन द हैरोइक फ्रेंजीज। इन्हों कुछ किताबा जोहन चार्लवुड ने छापिया सन। द ऐश वेंसडे सफर किताब ने काफ़ी लोगों को ब्रूनो के दुखी बनाता और हमायतियों ने भी वो पासा बट लिया। नाल ये भी गल सी कि ब्रूनो की सीधी ठोक पजा के साफ साफ शब्दों में गल कहनी अपने विचार की स्पष्टता जो कि आम लोगों तो वखरे सन ने बहुत सारे लोगों को परे करता। इन गलों तो अलावा ब्रूनो के खिलाफ जॉन बॉसी ने गलत प्रचार करना शुरू करता कि वह कैथलिक साजिशों बारे अपने एक झूठे नाम हैनरी फैगट हेठ राणी इलिजबैथ के सैकटरी सर फ्रांसिस वाल सिंगम लई जसूसी कर रहा है और उन सब खबर लंडन में फ्रांस की अंबैसी में रह के दे रहा है। कई बार यह कहा जाता है कि ब्रूनो ही सी जिन्हें ब्रह्मांड की असीमता बारे गल कही गल तोरी सी, खास करके जब इंग्लैंड में रह रहा सी। पर 1576 ब्रूनो के विचारों तो 8 साल पहले अंग्रेज़ विज्ञानी थोमस डिगीज़ ने ब्रह्मांड की असीमता बारे अपने विचार छुपा ले सन। यह भी गल नोट करने वाली है कि ब्रह्मांड की असीमता और धरती तो बाहरली जिंदगी बारे 1440 जर्मन कैथोलिक कार्डिनल ने ऑन लर्नड इग्नोरेंस नाम की किताब छपा ली सी। अक्तूबर 1585 जब फ्रांस की अंबैसी से एक हजूम ने हला बोल दिता तो ब्रूनो पैरिस चला गया। ब्रूनो दी 120 लिखतां जो एरिस्टोटलियन कुदरती साइंस के खिलाफ सन और किताब से जो उन्हें हिसाबदान फैब्रिजियो मोरडेंटे के खिलाफ लिखे सन ने भी हालातों को गंभीर बनाता। 1586 मोरडेंटे की खोज बारे झगड़ा हो गया जो कि डिफरेंशियल कंपस बारे से, तो ब्रूनो पैरिस छड़ के जर्मनी चला गया। जर्मनी में उन्हें मारबर्ग विखे पढ़ाने की नौकरी ना मिल सकी पर उन्हें विटनबर्ग में पढ़ाने की इजाजत मिल गई जिथे रह के उन्हें 2 साल पढ़ाया।
ਅਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 1588 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਲਮਸਟੈਡ ਵਿਖੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈਟਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਰਾਲਡੋ ਬਿਸਲਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਮੈਜਿਕ, ਥੀਸਿਸ ਔਨ ਮੈਜਿਕ, ਏ ਜਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੋਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 1599 ਅਤੇ 1590 ਦੀਆਂ ਹਨ। 1591 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਔਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ ਛਪਾਈ। 1591 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਵਾਨੀ ਮੋਸੀਨੀਗੋ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਵੀਨਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਡੋਆ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਵੀਨਸ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੈਨਸੁਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਡੋਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਸੀਨੀਗੋ ਦੇ ਪਿਛਲਾਉਣ 'ਤੇ ਬਰੂਨੋ ਮਾਰਚ 1592 ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਸੋਨੀਗੋ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦ ਬਰੂਨੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲਾ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ 22 ਮਈ 1592 ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੋਰਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕੱਟੜਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ ਤਹਿਤ ਵੀਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1593 ਨੂੰ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਬਰੂਨੋ ਦੇ 1593 ਤੋਂ 1607 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਆਫ ਨੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਚ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ 1940 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰੂਨੋ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਲਿਊਗੀ ਫਿਰਬੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਬਰੂਨੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਰੂਨੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਨੋ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਰੂਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਬਰੂਨੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਰੂਨੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਰੂਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਡੀਨਲ ਬਲੇਰਮਾਇਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਬਰੂਨੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। 20 ਜਨਵਰੀ 1600 ਨੂੰ ਪੋਪ ਕਲੈਮੈਂਟ 8ਵੇਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਐਸ਼ਸ ਨੂੰ ਟਾਈਬਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1603 ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਈਬ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਰਮ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ 1715 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਵੈਸਟਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਈ 1592 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹੇਜ਼ਰ ਰੰਗੀ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਰਕੈਂਟੀ ਨੇ ਬਰੂਨੋ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਰੂਨੋ ਦੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਮੌਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਐਂਜਲੋ ਸੋਡਾਨੋ ਨੇ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਬਰੂਨੋ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ 11 ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਾਰਡੀਨਲ ਬੈਲਰੋਮਿਨੋ ਨੇ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
इस शख्स ने ब्रूनो के मुकदमे वाले कमरे में ही गैलीलियो गैलीलियो को सजा सुनाई सी। 1870 जब इटली में राज पलटा होया तो रोम की म्यूनसिपैलिटी ने 1899 ब्रूनो का बुत लाता, जदों कि धार्मिक कट्टरवादियां इहदा खासा विरोध किया। 2014 टीवी सीरीज़ कॉसमस ए स्पेस टाइम ओडेसी के पहले प्रोग्राम में ब्रूनो को दर्शाया गया। 1899 जब ब्रूनो का रोम में बुत लाया गया तो कवि एंजीरोन चार्ल्स स्विनबर्ग ने उदे ते कविता लिखी सी। इस तो बिना जुसैलन मेलोजी ने 1943 वॉरसा विखे कविता लिखी। रेंडल हार्वल कवि ने अपनी कविता एमेंसीपेटर में ब्रूनो गैलीलियो और न्यूटन को अयोकी साइंस के व्यापारी दुनिया के जन्मदाता कहा। हैदर मैक्योरो भी ब्रूनो बारे कविता लिखी और इस कविता वाली किताब हिंज एंड साइन नैशनल बुक अवार्ड दिता गया। 1990 लुइस लेम्योर ने ब्रूनो बारे कविता लिखी जो स्मोक फ्रॉम द अल्स्टर में छपी सी। जेम्स जॉयस ने ब्रूनो बारे फिनांगेंस वेक नाँ की नावल लिखा। एस जे पारस ने अपने इतिहासिक जराम पेशन नावलों में ब्रूनो हीरो के तौर पर वरत्या। मॉरिस वेस्ट ने द लास्ट कन्फेशन नाँ की किताब में ब्रूनो की जीवनी लिखा सी जो वो मरण बाद छपी सी। 1963 सोवियत रशिया के लेखक अलैगजेंडर वोल्कोव ने ब्रूनो ने दी वांडरिंग नाँ का नावल लिखा। 1973 ब्रूनो बारे इटालियन ते फ्रांसीसी फिल्म बनाई गई। जॉन क्रोलो ने ब्रूनो नू अपने ईजिप्ट 1987 जिहदा बाद विच नाम द सोलिट्यूड रखिया गया। इस तो बिना उन्हें ब्रूनो बारे होर भी नावल लिखे जिमें लव एंड स्लीप 1994, डायमेनोमैनिया 2000, एंडलैस थिंग्स 2007। बहुत सारे संगीतकारां भी ब्रूनो बारे संगीत दियां कई वनगियां लिखियां अते गाइयां, जिमें हांस वर्नर 1972, रॉबर्ट एशली 1983, मेसलिमा 2008, न्यू फोक ग्रुप 2011, फ्रांसिस्को 2014, एवेंजर्ड सेवनफोल्ड रोमन स्काई गीत 2016, 2017 रॉजर डायल ने अपने इलैक्ट्रॉनिक ओपरा में हेयर से ब्रूनो को मुख पात्र के तौर पर वरत्या। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ जर्मन वासी हार्वर्ड स्टीफन ने एक संस्था बनाई 2004 जिहदा नाम ब्रूनो फाउंडेशन रखा गया और जो एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म की पुरजोर हमायत करती है। सैटी द सर्च फॉर एक्सट्रा टेरेस्ट्रियल इंटैलीजेंस लीग हर साल ब्रूनो की याद में उसकी इंसान ब्रूनो नाँ की ट्रॉफी भेंट करती है, जिन्हें सैटी के विषय में कई महत्वपूर्ण काम किया हो। यह इनाम डोनल्ड टार्टर ने ब्रूनो की 395वीं शहादत वेले 1995 शुरू किया। ब्रूनो के नाम उत्ते चंद्रमा की धरती उपर 22 किलोमीटर क्रेटर कहा जाता है। एसट्रॉयड 5148 जार्डेनो 13223 सिनारियो भी उसके दार्शनिक विचारा द ऐश बैंड से सुपर नू समर्पित किया गया। सिडनी आस्ट्रेलिया में 2GB रेडियो स्टेशन ब्रूनो के नाम उपर चलाया जा रहा है। शब्द जीवी जोडानो ब्रूनो नाल संबंधित हैं और रेडियो स्टेशन के मोढ़ी थियोसोफिस्ट ब्रूनो के बहुत ज़्यादा प्रशंसक सन। ब्रूनो बारे हुण तक 119 किताबा लिखिया जा चुकिया हैं। यह गल याद रखने वाली है कि ब्रूनो वर्ग इंसान नवे पैड़ा पाते हैं और अपने समय में इस नवीनता करके दुख झलते हैं पर बाद में लोग गुणगाते हैं। यह तो सी मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा खोज भरपूर जो लेख मैं लिखा जोड़ा कि मैं चाहता सी गल भी ये तो सारा सुनाया जाए। हैलो जी, कौन जी कितों पर रहे हैं? अपने तो 12 मिनट है। हाँ जी हरीश जी, मैं गुरनाम सिंह बोलता और गुरनाम सिंह जी थैंक यू टाइम कढ़ने लिए टेलीविजन चौंक लिए। हाँ जी, एक तो थोड़ा शाबाश देनी जो तुम पेपर पढ़िया बड़ी मेहनत नाल ब्रूनो के बारे सब कुछ दसता, सो आपने के बारे होर कोई बहुता दसन की लड़ नहीं हैगी। थैंक यू। पर जी मैं एक तो थोड़ा बधाई देना चाहता, जो तुम तर्कशीलता से जोर लाने प्रोग्राम शुरू किया बहुत बड़ी लड़ आ। थैंक यू जी, थैंक यू। दुनिया अगे जा रही तो साड़ी जी कौम आ जा साडे लोग आ तो पिछे नू जा रहे। इहदा रीजन इको ही हैगा, जिस तरह यूरोप दे विच रेफॉर्मेशन थोनू पता ही आ, उदो पहला मार्टिन लूथर आया, फिर साइंस भी बिचों ही पैदा होया, प्रोटेस्टेंटिज्म जो आए थे प्रोटेस्टेंटिक, और ब्रूनो वर्गे होर डार्विन नू भी इन्होंने बड़ा थ्रेट किया। डार्विन ने जो दिती सी थियरी ना एवोल्यूशन की, उदो उन्हें अपनी थियरी नू ही वापस ले लिया सी क्योंकि उन्होंने भी फंसी बिचाउण लगे सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
पर ए मैं सोचता हूं ना जिस तरह बाबा नानक भी उन्होंने भी उन्होंने भी पागल किया कमला किया बिल्कुल बिल्कुल गुरु अर्जन देव तत्तियां तवियां ते बिठाता सी ए सेम ही संकल्प हैगा हां जी हां जी इत्थे धर्म की गल नहीं है कि क्योंकि धर्म तो कहना चंगे काम करो हाँ जी हरेक का धर्म तो ही आ रब दे नाल कोई वास्ता है नहीं सच्ची गल रब जे देखो जी ब्रूनो की जिहड़ी सीरीज सी ना ब्रूनो ने रब नूं नहीं रद्द कीता सीगा ब्रूनो ने कहा panentheism see philosophy oh kehnda rabb sari nature de vich hai absolutely that's what he said yes yes and one kya si bhi jithe bhi dekhoge rabb miluga eh guru sahab ne bhi ehi kiya bilkul bilkul ehi guru nanak ne eh jehda baba banata ek god jidda heaven sab ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬਰੂਨੋ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨਾਸਤਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਅਸਲੀ ਨਾਸਤਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਟੀਵਨ ਪਿੰਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਾਲਿਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ 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 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੈਬਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਰਟਰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਾਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੌਨ ਆਫ ਆਰਕ ਤੇ ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਂਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਵਰਜਨ ਮੇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਗੋਸਪ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕੁੱਟਾ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਯਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਂਗਡ ਔਰ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੂਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਡ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਰੂਨੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ 3000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਸਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਨੋ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਿਖਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਕੀ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੂਨੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ ਤੱਕ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਥੇ ਵੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਜੋ ਥੀ ਉਨਮੇਂ ਉਸਮੇਂ ਕਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥਾ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਥੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਸ
वो प्रचार करता था और उसको पता था कि दुनिया मेरे बरखिलाफ है, उसको बचने में कितने रास्ते थे, वो इटली से बाहर ही रहता था, लेकिन मुड़ मुड़ के अपने देश को एजुकेट करने के लिए फिर वापस आ जाता था। मैं उसकी जिंदगी उसके मैं मल्होत्रा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी तरह से ये ऐसे जो है मेरे पास पहुँच जाए। मैं उनकी जो थोड़ी बहुत भी उनके मतलब कहीं भी मेरे को मिलता है, मैं उनको दाद देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मार्टर वो बंदा था। आज उसकी बातें चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की हैं, चाहे सोशियोलॉजी की हैं, चाहे साइकोलॉजी की हैं और मैथमेटिक्स की हैं, वो आज सही साबित हो रही हैं। श्री राम जी, लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत मेहरबानी साहब, क्या आपको आपकी भी दाद देनी पड़ती है कि आप किस तरह से ये जो सारा लिटरेचर है इसको असेंबल करते हो। और हम थैंक यू ए तस्सी जी, खुशीराम जी, जिहड़े कि 104 साल दे है, तो मैनू बड़ा माण हुंदा जदों इहो जिहे कॉलरस गुरनाम सिंह वर्गे, फकीर चंद चौहान वर्गे, तो खुशीराम जी वर्गे जिहड़े हैगे कॉल करदे आ। बहुत बहुत मेहरबानी सारे वीरां दी, सारे भैणां दी, जिहड़े दर्शक देखदे आ जां जिन्हां दीआं कॉल्स असीं नहीं लै सके। अगले हफ्ते फिर तर्कशील विचारां दे प्रोग्राम विच कोई होर इहो जिहा टॉपिक तुहाडे दरपेश करन दी कोशिश होगी। मैनू उदों तक इजाजत दिओ, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेज। थैंक यू, टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ।